हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास जो है क्लास 10th की जो डॉक्टर मनोहरे बुक है एनसीईआरटी बेस्ड, उस पे आधारित होती है। इसमें हम लोग कर रहे हैं अध्याय 6, जिसमें हमने पहले पिछली क्लास में जो है समरूपता के बारे में जाना था कि समरूपता क्या होता है और बहुभुज की समरूपता किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, इन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में और जो आपके अध्याय में प्रमेय 1 और 2 दिया हुआ है उसके निगमन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुभुज के समरूपता में हमने ये सीखा था कि वो दो पॉइंट होंगे, दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर फॉलो कर रहा है तो वो दोनों बहुभुज समरूप होंगे। वो कौन से पॉइंट थे? कि उनके कोण जो है बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। इन दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर कोई भी दो बहुभुज या त्रिभुज जो भी हो फॉलो कर रहे हैं तो वो जो है समरूप होंगे। देखिए, त्रिभुजों की समरूपता हो या फिर बहुभुज की समरूपता हो, उन दोनों के लिए यही दोनों पॉइंट है। इनमें से कोई एक अगर फॉलो हो रही है तो वो दोनों जो है बहुभुज हो या त्रिभुज हो जो भी है समरूप हो जाएंगे। देखिए, कौन से संगत कोण या तो समान हो, उनके संगत कोण जो है बराबर हो, बहुभुज हो या त्रिभुज हो, और फिर उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, तब वो लोग वो जो भी है त्रिभुज या बहुभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इन चीजों को हमने अच्छे से समझा था और समरूपता को किस प्रकार से लिखते हैं, क्या करते हैं, इस चीज को पिछली क्लास में मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया था आप लोगों को। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें जो आपका प्रमेय 1 दिया हुआ है आपके अध्याय 6 का, उसका निगमन किस प्रकार से होगा। प्रमेय 1 क्या है? देखिए, इन सब चैप्टर में जैसे बाकी चैप्टरों में आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो ये जो है त्रिभुज या फिर जो भी और चैप्टर होंगे प्रमेय से रिलेटेड, जो उनके प्रमेय होते हैं वो उन चैप्टर का फॉर्मूला ही समझ लीजिए, ठीक है। उस चैप्टर का ये फॉर्मूला ही होता है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप जो है इसके सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए क्या है प्रमेय 1, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा दो अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह आपका प्रमेय। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी और किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे इसमें बी सी के समांतर डी ई खींच दिया जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है, और इसमें कह रहा है कि ये समांतर खींच रहे हैं, तो बी सी के समांतर डी ई खींचा तो जो है ये जो ए बी और ए सी को विभाजित कर रहा है ये इनके अनुपात जो है बराबर होंगे, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें देखिए प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में भी लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखोगे आप, दिया है क्या? दिया है त्रिभुज ए बी सी में जो है बी सी समांतर डी ई। एक आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी जिसमें BC और DE को समांतर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे सिद्ध क्या करना है, देखिए AD बटे DB बराबर AC बटे AE। ये कह रहा है देखिए कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, तो जब हमने ये DE समांतर रेखा खींचा तब वो जो है AB को D पर काटना है, तो यही एक बिंदु हुआ, तो AD बटे DB बराबर AE बटे AC, ये उनको समान अनुपात में काटेंगे, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो हमें देखिए अगर जैसे जितनी चीजें दी हुई हो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हुए, तो अगर उतने से हमारा काम नहीं होगा तो हमें कुछ रचना उसमें करना पड़ेगा अपनी तरफ से उसको हल करने के लिए। तो हमने इसमें क्या रचना किया, देखिए कि बीई को जो है सीडी से मिला दीजिए, बीई को मिला दीजिए, सॉरी बीई को मिला दीजिए और सीडी को मिला दीजिए, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, ये हमने रचना किया, और जो है ए बी पर एक लंब खींचा जो बिंदु ई से होकर जाती है ई एफ, और जो है ए सी पर एक लंब खींचा जो बिंदु डी से होकर जाती है डी जी, ठीक है। ये लंब है, हमने ये रचना किया है, ठीक है। हमने रचना में क्या किया, बी ई को मिला दिया और डी सी को मिला दिया, और ए सी पर डी जी एक लंब खींचा और ई एफ पर ई AC पर जो है DG और AB पर EF लंब खींचा, और जितनी चीजें रचना करेंगे हम लोग रचना वाले पॉइंट पे उस चीज को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं उपपत्ति, यहां से आपका शुरू होता है। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि BC
BE के समांतर है। तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर जो भी त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्या प्रमेय था देखिए कि समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा या अभी देख सुन लीजिए कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और मान लीजिए ये आधार हम लेकर कोई भी त्रिभुज खींचते हैं कितने भी, तो इन त्रिभुजों का जो है क्षेत्रफल सभी त्रिभुजों का जो ये तीनों त्रिभुज है बराबर ही होगा। ये प्रमेय आपने पिछली कक्षा में जो है पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने ये समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है और बीसी समांतर जो है डीई ये जो है हमें दिया है, पहले से ही ज्ञात है। तो जो चीजें होंगी उनको एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे। अब देखिए बीसी समांतर डीई है, अब इनके बीच देखिए एक त्रिभुज जो है डीबीई और एक त्रिभुज जो है डीसीई, इनका जो है बेस देखिए ये हो जाएगा, ये इसी बेस से ये त्रिभुज बन रहा है और इसी बेस से ये, तो इन दोनों के क्षेत्रफल इस प्रमेय के हिसाब से बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, तो क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी ई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी सी ई, डी ई सी या डी सी ई कुछ भी लिखिए, तो इन दोनों के जो है क्षेत्रफल आपके बराबर हो जाएंगे। इसको समीकरण एक हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज डी बी ई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी। अब चलते हैं एक चीज देखते हैं आगे, ये देख रहे हैं त्रिभुज एक ए बी ई, इसमें देखिए एक तो ये त्रिभुज है, ये है देखिए, और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। पहले इस त्रिभुज को देखते हैं, ये जो आपका ए बी ई है, ए बी ई, तो त्रिभुज जो ए बी ई है इसकी ऊंचाई जो है ये हमने लंब खींचा था, तो यदि इसकी ऊंचाई हो जाएगी क्या, देखिए यदि इसकी ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि हमने इसी को लंब खींचा था, ठीक है। तो अभी और ये जो त्रिभुज एक है छोटा सा, ये देखिए ए डी ई, इसकी भी ऊंचाई यही हो जाएगी क्योंकि यही तो लंब है इसके आधार पे, ठीक है। तो देखिए तो क्षेत्रफल आप त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा बी डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक बटा दो आधार, आधार ए डी ई में क्या है, ए डी आधार हो गया, ए डी गुणे ऊंचाई क्या हो गया ई एफ, ई एफ, ठीक है, बटे अब इसमें डी बी ई में देखिए डी, त्रिभुज डी बी ई में ए बी ई, ठीक है। तो अभी देखिए त्रिभुज डी डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई का जो है आधार क्या, देखिए
ये जो है किस टाइप का त्रिभुज है? बृहद कोण वाले में आप लोग जानते हैं, जैसे कि बृहद कोण जब बनता है तो उसकी ऊंचाई जब हम निकालते हैं तो वो त्रिभुज के जो है पार से आ जाती है, ठीक है, जहां पे। तो सेम ऐसा ही इसमें हो रहा है, इस त्रिभुज को जब आप लेने वाले हैं, इस त्रिभुज को देखिए तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का देखिए DBE का 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और ऊंचाई जो है EF, इसकी ऊंचाई जब हम निकालेंगे यहां से, लंब हमने इस पे डाला, इसके आधार को आगे बढ़ा के, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये बृहद कोण वाला जो है, तो ये EF, EF से कट जाएगा, 1/2, 1/2 से कट जाएगा, तो AD/DB इसका जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको देख लीजिए आप लोग कि समीकरण जो है, यहां से देखिए एक से इस डी बी ई को क्या लिख सकते हैं, डी ई सी लिख सकते हैं क्या, डी बी ई को डी ई सी, डी बी ई को क्या लिख सकते हैं, डी ई सी। तो क्षेत्रफल आप त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल आप त्रिभुज डी ई सी, ये समीकरण एक से हमने कर दिया, बराबर क्या आया था, AB बटे DB, ये क्या किया हमने, यहाँ पे आगे लिख देंगे आप कहीं से जो ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पे, समीकरण एक से, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज हमने किया इस वाले त्रिभुज में किया अभी अभी, ये जो इधर का है, ठीक है, यही सेम काम हम करने वाले हैं इधर, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, मतलब त्रिभुज ADC में, ठीक है, यही सेम का। तो क्षेत्रफल आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज जो है पहले ये लिख देंगे डी ई सी, इस वाले को लेंगे ना ऊपर वाले को, क्योंकि हमें इस टाइप का बनाना है तो हम पहले इस तरह को लेंगे। तो क्षेत्रफल आप त्रिभुज जो है ये जो इस वाले में ये है, देखिए ये छोटा सा ए डी ई क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, अब ये नीचे वाला पार्ट ले लेंगे, अब त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सेम वही काम करेंगे, 1/2 आधार बटे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका, देखिए अब इसका आधार ये हो जाएगा, ये ए ई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी जी, ठीक है, बटे 1/2। अब इस वाले त्रिभुज में DEC में क्या आधार हो जाएगा, EC गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG, ठीक है, DG। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये DG से कट गया, 1/2 1/2 से कट गया, तो बचा क्या आपका AE बटे EC, ये चीज है, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल अब त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हो गया समीकरण एक, तो ये हो गया था, इसको समीकरण दो बना लेते हैं और ये समीकरण तीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी समीकरण एक और दो से देख लीजिए, दो और तीन से देखिए, समीकरण दो और तीन से देखिए, इसका देखिए ए डी ई डी ई सी, बायां पक्ष जो है इसका बराबर है, तो दाहिना पक्ष हम बराबर लिख सकते हैं क्या, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये देखिए हमें प्रूफ क्या करना था कि उसकी जो है भुजाओं समान अनुपात में बटेंगी, AE बटे EC यहाँ पर होगा, ये गलती से लिख दिया, ठीक है, बुझाएं AB बटे DB AE, तो ये हमें प्रूफ करना था और हमने देखिए ये प्रूफ कर दिया, इस प्रकार से आप लोग इसको प्रूफ करोगे, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना था ये AD बटे EC हमारा आ गया, ठीक है।
अब देखिए इसमें एक दो और चीजें हमें सीखने जैसी हैं, तो वो चीजें भी हम इसमें सीख लेंगे। ये तो आपका हो गया प्रमेय एक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग प्रमेय एक को कर लोगे। अभी इसमें दो उप प्रमेय भी हम सीखेंगे कि अभी इसके जैसे जान लेते हैं कि इस त्रिभुज में भुजाओं के और कौन कौन से अनुपात जो है बराबर होंगे, ठीक है। देखिए ये चीज तो हमने प्रूव कर दिया, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इसे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने प्रूफ अभी अभी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे था बी। तो देखिए हमने अभी उप प्रमेय पढ़ते हैं, इसी में सेम ऐसे ही उसके अनुपात के बराबर ही उप प्रमेय वन आपके बुक में दिया हुआ है, उप प्रमेय वन के नाम से, ठीक है। अभी हमने क्या प्रूफ किया, देखिए एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एडी बटे डीबी प्लस वन, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, और ये चीज हमने अभी प्रूफ भी कर लिया ये लाइन को। अब इसका इसको जोड़िए तो AD LCM लेंगे तो AD प्लस DB बटे DB आ जाएगा, ठीक है, बराबर AE प्लस EC बटे EC आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए AD बटे AD प्लस DB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ए बी बटे डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी ए सी बटे ई सी। तो ये भी है देखिए कि इसका भी पूरा भुजा बटे डी बी बराबर ये पूरा ए सी बटे ई सी, इसका भी अनुपात जो है बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। और एक उपप्रमेय टू के नाम से भी है, उसको भी प्रूव करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है उपप्रमेय वन था कि हमें अभी हमने क्या सीख लिया कि एक चीज और हमने यहां से सीख ली कि ए बी बटे डी बी बराबर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही आपको सवाल में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, देखिए इसका जो है दोनों पक्षों को उल्टा कर देते हैं, जो अंश है उसको हर बना लेते हैं, जो हर है उसको अंश बना लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों साइड में करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दोनों पक्षों का विलोम करने पर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, विलोम करने। अब देखिए फिर से दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आप लोग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, फिर उसको अच्छे से आप लोगों को फिर से बताया जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये DB प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE, ठीक है। अब फिर से DB प्लस AD क्या हो जाएगा, देखिए AB बटे AD बराबर EC प्लस AE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AC बटे ए। अब देखिए एक ये अनुपात आपका आ गया, ठीक है, कि इसमें क्या आ गया, देखिए ये देखिए ए बी बटे ये पूरा बटे ये, तो ये जो है इस प्रकार से उपप्रमेय टू हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप लोग जो है देख लोगे इस चीज को, जो है आपको सवाल में यूज करना है, ठीक है। कि अभी अब मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए कि जब समांतर ऐसे आप को कि किसी त्रिभुज के अगर समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो जो है अगर जिन दो बाकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं पर जो ये बिंदु जो है इन भुजाओं को समान अनुपात उन भुजाओं का अनुपात जो है समान होता है, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जैसे ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए ई
एसी बटे एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा एबी बटे डीबी बराबर एसी बटे ईसी। तो इन तीनों चीजों को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका है जो प्रमेय वन, जिसमें उपप्रमेय एक और उपप्रमेय दो को भी मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी हम इस चीज को, यही जो प्रमेय है आपका इस चैप्टर का जो है फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को जो है यूज करना है सवाल में भी आएगा, जब आपको प्रश्नावली आपके अभ्यास को करवाया जाएगा जो है, तो उसमें ये जो है आपके यूज होंगे सभी प्रमेय फॉर्मूला। और आपके एग्जाम में जो है फॉर्मूला भी पूछा जाता है, आपका जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम डेट भी आ गया है, फरवरी में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग पढ़ाई। अब आगे चलिए चेक करते हैं प्रमेय दो। प्रमेय दो क्या है? इसी प्रमेय का जस्ट उल्टा है, ठीक है। प्रमेय दो क्या है? इसी प्रमेय का जस्ट उल्टा है। लिख लेते हैं हम लोग प्रमेय दो से, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की, जब कोई रेखा किसी, ये त्रिभुज के साइन का मतलब है, आप लोग वहां पे त्रिभुज समझिए, दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ठीक है। ये जो है आपका प्रमेय, प्रमेय जो पहले अभी आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा है, प्रमेय एक का। उसमें क्या था कि कोई समांतर रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के खींच रहे हैं, तो वो जो है बाकी दो भुजाओं को जहां पर काटती है वो बिंदु उस उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे पहले ही दे दिया कि जब किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। देखिए ये मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी ये एक रेखा हुई, ठीक है, जो कि इन ए बी और ए सी को समान अनुपात में जो है पार कर रही है। ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है, ये एक रचना हो जाता है, इसको एफ रखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम चीजें लिखेंगे। पहले क्या दिया है, दिया है क्या, दिया क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये पहले से ही दे दिया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहे हैं, मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये चीज इसने पहले से ही दे रखा है, क्योंकि कह दिया कि भाई समान अनुपात में तो बांट रही है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी सी समांतर डी ई। अब जैसे ये बी सी है, यहां पे देखिए मिस्टेक हो, बी सी समांतर डी ई। अब पहले से ही ये चीज दे दिया कि भाई ये समान अनुपात में बांट रही है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो इसी भुजा को सिद्ध करना है, ये तीसरी भुजा जो बी सी है उसके समान समांतर होगी, उपपत्ति, ठीक है। अब पहले देखिए कि हम मान लेते हैं कि अगर जैसे डी बी सी के समांतर नहीं है पहले, ठीक है, माना डी बी सी के समांतर नहीं है, बी सी के पर यही तो हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है, लेकिन हम मान लेते हैं कि समांतर नहीं है, तो एक भुजा डी एफ जो है डी एफ बी सी के समांतर खींचा, बी सी के समांतर खींचा। देखिए अभी हम मान लेते हैं भाई कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है,
तो हमने डी एफ जो है एक ऐसी भुजा खींची जो बी सी के समांतर हो, ठीक है। तो अभी हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था, पिछले प्रमेय जो थेल्स प्रमेय भी उसको कहते हैं, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय भी कहते हैं, कि अगर ये जो है कोई रेखा समांतर हो तीसरी भुजा के तो वो इनको समान अनुपात में बांटती है। तो आप लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय एक को आप देखेंगे, आधारभूत अनुपात अनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ए बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। अब ये चीज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है डी एफ को बी सी के समांतर खींचा है, अगर वो समांतर है तो तीसरी इस भुजा के समांतर हमने इसको खींचा है, तो इस ये जिस बिंदु पर मिल रही है इन दोनों भुजाओं से वो उनको समान अनुपात में बांटेगी। अभी हमने पीछे प्रमेय पढ़ा, क्योंकि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लिख दिया तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, लेकिन मैं लिख के बता दे रहा हूं समझने के लिए, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची रेखा उसकी बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। अगर त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वो बाकी दोनों भुजाओं को जो है समान अनुपात में बांटती है, ये चीज आती है, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण। अभी एक देखिए ये दिया हुआ है क्या हमें पहले से ही कि AB बराबर DB बटे बराबर AE बटे A, ये क्या लिख दिया मैंने, हमने तो DF और B DF को BC के समांतर खींचा है ना, तो AD बटे DB बराबर AF बटे FC होगा ना, ठीक है। AD बटे DB बराबर AEEC ये हमें जो है दिया है, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी में लिख दिया AE बटे EC, लेकिन क्या होगा देखिए, जब आपने DF को BC के समांतर खींचा है तो ये DF जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी ना, तो इनके अनुपात जो है बराबर लिखेंगे आप AB बटे DB बराबर AF बटे FC। और समीकरण एक और दो से देखिए, समीकरण एक और दो से, ठीक है। तो समीकरण एक और दो से इसका देखिए ये पक्ष बराबर है बायां पक्ष, तो इसको बराबर लिख सकते हैं ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है, ये आ गया है। अब जो है क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को जो है जोड़ देते हैं, हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में एक जो है जोड़ देते हैं, इसको हम मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए पहले ध्यान से, तो फिर मिटाता हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये इसको वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, तो मिटा भी देते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है क्या है, ये है हमारा समीकरण एक, ये तो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो ए एफ बटे एफ सी प्लस वन बराबर ए ई बटे ई सी प्लस वन। देखिए इसमें जो है दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया, एलसीएम लेते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी बराबर एलसीएम, आप लोगों को पता ही है एलसीएम का जोड़ वोड़ तो आपने पढ़ा ही होगा, ए ई प्लस ई सी। अब जोड़ दीजिए इनको, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो गया ए सी बटे एफ सी बराबर ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा ए सी देखिए बटे ई सी। अब ये देखिए ए सी ए सी से कट गया तो बचा क्या, ए एक बटे एफ सी बराबर एक बटे ई सी,
या एफ सी बराबर ई सी हो जाएगा। अब देखिए एफ सी जो है बराबर ई सी आ गया। अब ये कब संभव है? जब ई एफ और ई संपाती हो। तो बाकी चीजें यहां पे देखिए मैं करता हूं, चूंकि एफ सी बराबर ई सी तभी संभव है जब जो है ई और एफ संपाती हो। संपाती का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट हो, बिल्कुल ठीक है, अगर बगल थोड़ा भी ना हो, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट हो, तभी ये चीज संभव है। ठीक है, तो एफ सी बराबर ई सी तभी संभव है जब ई और एफ संपाती हो। तो चूंकि देखिए अगर ई और एफ संपाती हो जाएंगी तो ये जो रेखा है इसी के एकदम ऊपर आ जाएगी, मतलब ये जो डी एफ है वही डी ई हो जाएगी। ठीक है, एफ सी बराबर ई एफ तभी संभव है जब रेखाएं संपाती हो। ठीक है, तो अदर अगर डी एफ जो है डी ई बन जा रही है, तो अगर डी एफ समांतर बी सी है तो डी ई समांतर बी सी होगी, संपाती हो। तो चूंकि डी एफ समांतर बी सी है और डी है, ये डी है ठीक है, और एफ और ई संपाती है, अतः देख सर इसको फिर से लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देख संपाती हो, तो चूंकि डी एफ समांतर बी सी है, कहां से है भाई ये, हमने रचना किया था ना, हमने खींचा था, देखिए डी एफ समांतर बी सी है, बी सी लिखना है, डी एफ समांतर बी सी है। ठीक है, और ई और एफ संपाती है, ई और एफ अभी संपाती हो गया, अभी हमने प्रूव कर दिया, अतः जो है डी ई समांतर बी सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको प्रूव कर लोगे, मतलब जो प्रमेय एक था कि अगर किसी जो है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वो बिंदु त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, एक तो ये है, और दूसरा प्रमेय है जब कोई रेखा त्रिभुज के जो है भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस प्रकार से आप लोग दोनों प्रमेय को कर लोगे और इसको सीख लोगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि इस प्रमेय को किस प्रकार से आप लोग निगमन कीजिए प्रमेय की। ठीक है, और प्रमेय का निगमन करते टाइम ये सारी चीजें आप लोग लिखोगे, दिया है सिद्ध करना है, अगर कुछ रचना है तो रचना भी लिखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग आप लोग जो है इसके अध्याय के क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। अगली क्लास में जो है मैं क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको प्रश्नावली 6A और 6B दोनों के। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।